हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास IIT JEE 2020 का पेपर है। ये इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कई सारी वीडियोज बनाएंगे जिसको क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास पहला। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो है हमारे पास, लेट एस एन बराबर वन प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सीक्वेंस एस एन इज, ऑप्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज कन्वर्ज टू वन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इज कन्वर्जेंट टू वन, नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट इट इज कन्वर्ज टू वन और डाइवर्जेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर हम एस एन को लिखना चाहें तो देखें, एस वन क्या आएगा, एन की वैल्यू जब वन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो। जब हम एस टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस, सॉरी वन प्लस वन अपॉन टू, यानी कि ये आ गया 3/2। जब हम एस थ्री पुट करेंगे तो एस थ्री आ जाएगा हमारे पास वन माइनस 1/3 जो कि 2/3। एस फोर जब हम देखेंगे तो एस फोर आ जाएगा हमारे पास वन प्लस 1/4, क्योंकि माइनस वन की पावर फोर जो होगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ गया हमारे पास 5/4। एस फाइव की अगर वैल्यू देखेंगे तो वो जाएगा वन माइनस 1/5 जो कि हमारे पास आ जाएगा 4/5। इसी तरह एस सिक्स की वैल्यू देखेंगे तो एस सिक्स की वन प्लस 1/6 जो कि 7/6। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू। अब अगर हमें देखें रियल लाइन पे, अगर इनको ड्रॉ करें पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास एस वन जो है, यहाँ पे हमारे पास एस वन जो था वो था जीरो, ये हमारे पास जीरो था। उसके बाद वैल्यू आई थी 3/2। सपोज कि यहाँ पे है 3/2, क्योंकि 3/2 इसमें अभी तक बड़े सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है हमें, तो यहाँ पे हम 3/2 को सबसे लास्ट में लिखते हैं कि 3/2 यहाँ पर है। उसके बाद है 2/3, तो 2/3 वन से छोटा है, सपोज वन यहाँ पर है तो 2/3 कहाँ रहेगा, 2/3 सपोज यहाँ है। उसके बाद आएगा 5/4 जो कि 1 से बड़ा है कुछ इधर, तो 5/4। उसके बाद है 4/5, 4/5 जो है वो 2/3 से बड़ा, 4/5 और 2/3 में हम कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स, 2/3 जो है वो है 0.666 एंड 4/5 जो है वो है 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे हम डिवाइड करें तो ये जाएगा 0.8, 0.8। तो ये 0.8 यानी कुछ यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे हम 7/6, तो वो इधर है। तो इस तरह से जो वन की तरफ यानी कि वैल्यू जो है, कभी जीरो से 3/2 गई थी, उसके बाद 2/3, उसके बाद इधर इस तरह से ऑसिलेटिंग करती हुई वन की तरफ आ रही है। तो यहां से हम कहेंगे जो फंक्शन जो है वो हमारे पास कन्वर्ज टू वन तो है, बट ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि ये डिक्रीज भी हो रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी नहीं है, नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट इज कन्वर्ज टू वन। ये ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है और कन्वर्ज टू वन है। अब फिर से हम क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, लेट एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 9x² प्लस 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन है एफ इज 1/1 इन द इंटरवल माइनस 1 एंड 1, एफ इज 1/1 इन द इंटरवल 2 4, एफ इज नॉट 1/1 इन द इंटरवल माइनस 4 एंड 0, एफ इज नॉट 1/1 इन द इंटरवल 0 एंड 4, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करने के लिए बेसिकली 1 1 एंड 1 1 देखना है, तो पहले इसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास f डैश x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6x² माइनस 18x, ये हो गया। अब इसको अगर जब जीरो के इक्वल पुट करें तो जीरो के इक्वल पुट करने पर x बराबर आ जाएगा 0 एंड 3, x बराबर 0 एंड 3। अब हम यहाँ पे कर्व को बनाते हैं।
यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे है हमारे पास 0, यहाँ पर है 3, ये है हमारे पास। तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे साइन चेक करते हैं। जब जब वैल्यू जो है एक्स से इधर है, तो एक्स से मतलब माइनस है, तो माइनस में ये हमारे पास नेगेटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 पुट करें तो ये नेगेटिव है, यानी माइन ये पॉजिटिव टर्म बट ये नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव बेसिकली 4 तक तो नेगेटिव रहेगी, हमें आगे ज़्यादा चेक करना नहीं है। उसके बाद ये टर्म जो है यहाँ पे 0 पे, ये टर्म जो है 0 रहेगी। उसके बाद इधर देखते हैं तो यहाँ पे ये टर्म जो होगी हमारे पास 0 से 3 की तरफ, और 3 0 से 3 के बीच में देखते हैं 2 पर, और 2 पर हम चेक करते हैं तो 2 पे हम पाते हैं यहाँ पे, और ये टर्म जो है 6 × 2² तो ये हो गया हमारे पास 24 − 36, यानी कि नेगेटिव। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 4 पे, यानी इससे बड़े नंबर पे 4 पे देखते हैं, तो 4 पे देखने पे देखते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 16 × 6, 16 × 6 − 18 × 4, तो बेसिकली ये नंबर बड़ा है यानी कि पॉजिटिव। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यहाँ पे कहीं पर नेगेटिव है, कहीं पर पॉजिटिव है। इसका मतलब जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग टाइप का होगा। सो नेगेटिव होने पे इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग टाइप का होगा, उसके बाद डिक्रीज हो रहा होगा, यानी फंक्शन जो है वो 2 और 4 के बीच में 1 1 नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन जो है अपनी पैटर्न चेंज कर रहा है, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इस तरह से वो पैटर्न चेंज कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ जो है वो नॉट 1 1 इन द इंटरवल 0 एंड 4, 0 1 में वो 1 1 नहीं है। बट −0 और 4 के बीच में हम इसलिए नहीं कह पाए थे क्योंकि यहाँ पे हर कंडीशन में −0 और 4 के लिए नेगेटिव ही था। 2 और 4 के बीच में भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव मिल जाएगा। 2 और 4 के बीच के जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी ये not 1 1 on 2 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, कि एफ जो है not 1 1 इन द इंटरवल 0 एंड 4 के बीच में। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।